करनाल में, और किस समय जो करनाल में जो कोरोना के हालात है, लगातार जो कोरोना के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो अब जो मामले हैं करनाल के गांव से देखने को मिल रहे हैं, अधिकतर मामले जो गांव से निकलकर सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां, हमारे साथ जो करनाल के CMO डॉक्टर योगेश शर्मा मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहेंगे, जो गाँव में लगातार अब मामले बढ़ने शुरू हैं, लगभग 50% मामले गाँव से आ रहे हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियाँ? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो स्वास्थ्य विभाग है उस बात पे नज़र रखे हुए था कि केसेस गाँव से ज़्यादा आने शुरू हुए थे। उसी के चलते हुए पिछले एक सप्ताह से हमारी इंटेंसिव स्क्रीनिंग, जो मेन विलेजेस थे जहाँ से ये केसेस आ रहे थे, वहाँ इंटेंसिव स्क्रीनिंग चल रही थी, और लगभग 7,000 से ज़्यादा टेस्ट, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने उन सभी गाँव में किए भी हैं और पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट किया है। लेकिन इसके साथ चलते चलते अब हरियाणा सरकार द्वारा भी एक योजना शुरू करी गई है, जो उसका कल शुरू करेंगे उसका। उसमें हर गांव की जो है स्क्रीनिंग करी जाएगी, हर गांव में दो टीम्स बनाई जाएंगी, जो एक टीम आशा और ANM की है, जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर है, जो हाउस टू हाउस जाएंगे, और कोई भी ऐसे केसेस जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं कोविड के, उनको एक वहाँ पर सेंट्रल टीम होगी, डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर टीम है, वहाँ पर उनका चेकअप किया जाएगा, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त सारा डाटा जो है वो कंप्यूटराइज वहाँ पे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो ये मेन सिटीज़ हैं, सॉरी विलेजेस हैं, उन सभी विलेजेस में एक आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है। उन विलेज जो भी ऐसा पेशेंट जो अपने घर पे आइसोलेट नहीं हो सकता और माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनको उन आइसोलेशन सेंटर्स में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जितनी हमारी 8 CHCs हैं, उन सभी 8 CHCs में ऑक्सीजन बेड क्रिएट किए गए हैं, और जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उनको इन गाँवों में से CHC पे लेके आया जाएगा। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी नॉर्मल हमारी 108 पे 24 एम्बुलेंसेज हैं, उसके एडिशनली जो हमारे पुलिस विभाग द्वारा कुछ हमारे को इनोवा दी गई हैं, जिनको रैपिड हम रिस्पांस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि किसी पेशेंट को शिफ्ट करना पड़े, उनको भी हमने रिमोट एरियाज़ में, दूर दूर के एरियाज़ में स्टेशन किया है। इसके अतिरिक्त जो परिवहन विभाग ने हमें 5 बसेस दी हैं, उनको भी डिफरेंट विलेजेस में हमने स्टेशन किया है कि जो पेशेंट को जल्द से जल्द हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। सर देखा जा रहा है जैसे कई बड़े गांव हैं, जैसे बड़ा गांव में भी मामला देखने को मिले, काफ़ी बड़ा गांव है, इस तरह के कहीं जहां पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां पर भीड़ भाड़ का एरिया है, तो उनके लिए क्या खास तैयारी है? ये सारा जो किया जा रहा है बड़ा गांव में भी हमने बहुत इंटेंसिव करी है, उसको कंटेनमेंट भी बनाया है। इसके अतिरिक्त और भी गाँव जहाँ से भी हमें लग रहा है कि पॉजिटिविटी बढ़ रही है, उसमें हमारी रेगुलरली टीम जाके चेक कर रही है। तो अब तो जो ये जो चेकअप की एक स्कीम कल से शुरू कर रहे हैं, उसमें तो सभी गाँव को हम क्रमबद्ध तरीके के साथ सभी को कवर करेंगे अगले आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर। हमारे साथ करनाल के CMO डॉक्टर योगेश शर्मा मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से गांव में जिस तरह से जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर जब गांव-गांव में जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी और घर घर जाकर जो वहां पर टेस्ट किए जाएंगे, और जो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। करनाल से विकास मैला, पंजाब केसरी TV, करनाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी TV में, हम आपके साथ विकास मैल, और इस समय मौजूद है करनाल में, और किस समय जो करनाल में जो कोरोना के हालात है, लगातार जो कोरोना के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो अब जो मामले हैं करनाल के गांव से देखने को मिल रहे हैं, अधिकतर मामले जो गांव से निकलकर सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियाँ, हमारे साथ जो करनाल के CMO डॉक्टर योगेश शर्मा मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहेंगे, जो गाँव में लगातार अब मामले बढ़ने शुरू हैं, लगभग 50% मामले गाँव से आ रहे हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियाँ? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो स्वास्थ्य विभाग है उस बात पे नज़र रखे हुए था कि केसेस गाँव से ज़्यादा आने शुरू हुए थे। उसी के चलते हुए पिछले एक सप्ताह से हमारी इंटेंसिव स्क्रीनिंग, जो मेन विलेजेस थे जहाँ से ये केसेस आ रहे थे, वहाँ इंटेंसिव स्क्रीनिंग चल रही थी, और लगभग 7,000 से ज़्यादा टेस्ट, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने उन सभी गाँव में किए भी हैं और पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट किया है। लेकिन इसके साथ चलते चलते अब हरियाणा सरकार द्वारा भी एक योजना शुरू करी गई है, जो उसका कल शुरू करेंगे उसका। उसमें हर गांव की जो है स्क्रीनिंग करी जाएगी, हर गांव में दो टीम्स बनाई जाएंगी, जो एक टीम आशा और ANM की है, जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर है, जो हाउस टू हाउस जाएंगे, और कोई भी ऐसे केसेस जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं कोविड के, उनको एक वहाँ पर सेंट्रल टीम होगी, डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर टीम है, वहाँ पर उनका चेकअप किया जाएगा, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त सारा डाटा जो है वो कंप्यूटराइज वहाँ पे किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जो ये मेन सिटीज़ हैं, सॉरी विलेजेस हैं, उन सभी विलेजेस में एक आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है। उन विलेज जो भी ऐसा पेशेंट जो अपने घर पे आइसोलेट नहीं हो सकता और माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनको उन आइसोलेशन सेंटर्स में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जितनी हमारी 8 CHCs हैं, उन सभी 8 CHCs में ऑक्सीजन बेड क्रिएट किए गए हैं, और जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उनको इन गाँवों में से CHC पे लेके आया जाएगा। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी नॉर्मल हमारी 108 पे 24 एम्बुलेंसेज हैं, उसके एडिशनली जो हमारे पुलिस विभाग द्वारा कुछ हमारे को इनोवा दी गई हैं, जिनको रैपिड हम रिस्पांस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि किसी पेशेंट को शिफ्ट करना पड़े, उनको भी हमने रिमोट एरियाज़ में, दूर दूर के एरियाज़ में स्टेशन किया है। इसके अतिरिक्त जो परिवहन विभाग ने हमें 5 बसेस दी हैं, उनको भी डिफरेंट विलेजेस में हमने स्टेशन किया है कि जो पेशेंट को जल्द से जल्द हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। सर, देखा जा रहा है जैसे कई बड़े गांव हैं, जैसे बड़ा गांव में भी मामला देखने को मिले, काफ़ी बड़ा गांव है इस तरह के, कहीं जहां पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां पर भीड़ भाड़ का एरिया है, तो उनके लिए क्या खास तैयारियाँ? ये सारा जो किया जा रहा है बड़ा गांव में भी हमने बहुत इंटेंसिव करी है, उसको कंटेनमेंट भी बनाया है। इसके अतिरिक्त और भी गाँव जहाँ से भी हमें लग रहा है कि पॉजिटिविटी बढ़ रही है, उसमें हमारी रेगुलरली टीम जाके चेक कर रही है। तो अब तो जो ये जो चेकअप की एक स्कीम कल से शुरू कर रहे हैं, उसमें तो सभी गांवों को हम क्रमबद्ध तरीके के साथ सभी को कवर करेंगे अगले आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर। तो हमारे साथ करनाल के CMO डॉक्टर योगेश शर्मा मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से गांव में जिस तरह से जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर जब गांव-गांव में जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी और घर घर जाकर जो वहां पर टेस्ट किए जाएंगे, और जो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। करनाल से विकास मैला, पंजाब केसरी TV, करनाल।